हाँ भाई, क्या हुआ अय्यर का? अपनी फिर बाद में बात ही नहीं हुई। अरे क्या हुआ? नहीं ये बोलो, क्या हो रहा है? यहाँ तो सत्कार समारंभ हो रहा है। क्या सत्कार समारंभ? हाँ, हम सबको अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड। अय्यर भाई और बबीता जी इधर अलग होने वाले हैं, पर ये सब क्या हो रहा है? कौन से अवार्ड की बात कर रहे हो आप? मूर्ख शिरोमणि का। क्या मूर्ख शिरोमणि अवार्ड? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने माना कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी वालों के ब्लड में ही मजाक और मस्ती लिखी है, और भाग्य में परेशानी, लेकिन ये मूर्ख शिरोमणि अवार्ड, ऐसा थोड़ी कोई अवार्ड होता है। अरे होता है आसिफ भाई, गोकुल धाम में होता है। हाँ भाई, गोकुल धाम में तो कुछ भी हो सकता है। दिन को रात हो सकता है, रात को दिन हो सकता है। पहले मुझे ये बताओ, अय्यर भाई और बबीता जी का क्या हुआ? आसिफ भाई, जीना ठम्मा घी पड़ी रही। यानी अय्यर और बबीता का डिवोर्स नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जेठालाल, मैं तो टोटल कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे मुझे सारी बात बताओ, हुआ क्या? अरे वो हुआ यूं के यू आर सो लकी बबीता। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। I like स्वीटी। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो घर को डिवोर्स दे दो। और इस तरह हम सब मूर्ख शिरोमणि अवार्ड के हकदार हो गए। अच्छा अच्छा, ओके, यानी सब अच्छा हो गया। ए भगवान, ये गोकुल धाम सोसाइटी भी तूने किस मुहूर्त पे बनाई है? यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो जेठालाल, जो भी हुआ ये तो खुशखबरी की बात है। कोई भी रिश्ता टूटता ही है मेरे लिए बहुत दुख की बात है। तो अय्यर भाई और बबीता जी जुड़ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। अय्यर भाई और बबीता, आप लोग को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आसिफ जी। बबीता जी, भालो आचो। अरे देखो, ये अय्यर तो एकदम कंजूस है। अभी आपको मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आसिफ जी, पार्टी पक्की। अरे नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, आप दोनों की जोड़ी सही सलामत रहे, आप खुशी से अपना जीवन जियो, प्यार मोहब्बत से, और कभी कोई जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। थैंक यू सो मच आसिफ जी। ये अय्यर भाई को स्वीटी से मिलाया उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो? अरे मैं भी मूर्ख बन गया ना। ये सबके साथ मुझे भी अवार्ड दे दो, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आसिफ भाई आपको भी मूर्ख शिरोमणि अवार्ड मिलने की बहुत बहुत बधाई हो। संग वो रंग, आपके साथ मैं भी रंग गया, मैं भी बन गया मूर्ख शिरोमणि। तो आप लोग के साथ मुझे भी अवार्ड लेना पड़ेगा ना, मूर्ख शिरोमणि अवार्ड। सही बात है। तो ठीक है, बाय बाय। ओके, आओ जो आओ जो। बस मौज में रहो, मस्ती करो, आनंद करो। गोकुल धाम सोसाइटी का भी। अरे भाई मैं आई कि नहीं? अरे यार, एक तो उसका टेंशन अभी। वैसे आसिफ भाई ने एक बात सच कही, पार्टी तो बनती है। पर ये अपना लाइफ में एक बात का ध्यान रखना, लाइफ में जब भी टेंशन हो ना, पार्टी शादी कभी मत करना। पार्टी शादी करने के लिए तू मना कर रहा है? ये तो वही बात हो गई कि चार चार शादी करने वाला सगाई करने से मना कर रहा है। उदाहरण में भी शादी है। मेरा मतलब है, ये तो वही बात हो गई कि शेर शाकाहारी होने की बात कर रहा है। और तुम मेरे को टोंट मत मार। ओ, मैंने ऐसा कहा कि जब भी टेंशन हो तो पार्टी शादी नहीं करनी चाहिए, पर जब खुशी की बात हो तो जम के पार्टी शादी करनी चाहिए। अरे वो देखो, ये तो वही है बबीता जी की दोस्त मौसमी, जिसकी वजह से अय्यर भाई और बबीता जी के बीच में गलतफहमी हुई थी। ये क्यों आई है यहाँ? हाय बबीता। हाय मौसमी। हाय विजय। हेलो बबीता, एक्चुअली हम लोग तुम्हें थैंक्स बोलने आए हैं। थैंक्स? मुझे क्यों? आज तुम्हारी वजह से जिंदगी को जीने का मेरा नजरिया बदल गया है। मैंने हालात से फरियाद करना बंद कर दिया है। You won't believe, Babita. मुझे अब सारी दुनिया अच्छी लगने लगी है। That's really nice, Moshmi. अब Moshmi,
दूसरों की तुलना में अपने आप को अनलकी नहीं लकी मानने लगी। थैंक्स बबीता हमारी एक्शन मैरिज लाइफ को रोमांटिक मैरिज लाइफ बनाने के लिए। अरे आप लोगों की वजह से अय्यर भाई और बबीता जी की रोमांटिक मैरिज लाइफ का दी एंड होने वाला था। क्यों? क्या हुआ? मतलब हुआ यूं कि I'm so sorry बबीता, sorry अय्यर। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। I'm so sorry. We are really sorry, Babita. It's okay, Moushami. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। Moushami, गलती तो मेरा है कि मेरे को इतना बड़ा गलतफहमी हो गया और ये हादसा हो गया। Thank God कि तुम दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो गई और आप दोनों मिल गए। चलो भाई सारे शिकवे गलतफहमियां सब दूर हो गई। हाँ हाँ भगवान की दया से जो हुआ अच्छा हुआ, हम सब के बीच में प्यार बढ़ा। अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। तो गोकुलधाम में खुशियाँ आ गई है तो गोकुलधाम की परंपरा भी निभानी चाहिए ना। गरबा हो जाए। बबीता जी और अय्यर भाई की जिंदगी न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, बर्बाद हो जाते वो लोग। अंजलि भाई वैवाहिक जीवन में पति पत्नी आपस में प्यार से रहें ये तो जरूरी है, लेकिन एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दोनों का आपसी विश्वास। करेक्ट। अय्यर भाई और बबीता जी एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि प्यार के मामले में 100 में से 1000 मार्क पर पास हुए ये दोनों। हाँ लेकिन विश्वास के मामले में फेल हो गए ना भाई। अय्यर को अगर ये विश्वास होगा कि बबीता जी उससे प्यार करती है, बबीता जी उससे प्यार नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये विश्वास अय्यर रखता तो इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। बिल्कुल तारक। और बबीता जी ने भी जब अय्यर भाई को मॉल में देखा तब अगर उनको विश्वास होता कि नहीं अय्यर मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता और इस पूरी चीज के पीछे जरूर कोई खास वजह है तो बात वही सामने आ जाती। वैसे एक बात कहूँ तारक, मेरे हिसाब से जिंदगी में प्यार का होना बहुत जरूरी है, पर बिना विश्वास के जिंदगी एकदम अधूरी। गलतफहमी। जिंदगी में आदमी हाथी पाल ले घोड़ा पाल ले गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो पति पत्नी नहीं तो आपको बातचीत करके सुलझा लेना चाहिए, वरना जिंदगी में बहुत दिक्कतें आ सकती। एकदम सही कहा तारक आपने, क्योंकि कभी कभी जो हम देखते हैं सुनते हैं और सोचते हैं वो गलत हो सकता है और उसी गलत चीज को हम सच मान लेते हैं तो बात बिगड़ सकती है, राय का पहाड़ बन सकता है। 2020 का टेस्ट मैच हो सकता है और अंगूर का नारियल हो सकता है। अंगूर का नारियल कैसे हो सकता है तारक? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज बड़ी सीरियस है, वो हो सकती है। क्या? अगर तुमने मुझे डाइट फूड खिलाना बंद नहीं किया, तो मसालेदार चाय और मसालेदार खाना मेरे लिए शुरू नहीं किया तो हम दोनों का डिवोर्स हो सकता है, कंफर्म। Oh my God, तारक आपने क्या कह दिया, मैं तो डर गई। मिस्टर मेहता, इस बात पे तो आपको आज तक ये जो थोड़ा बहुत मसालेदार खाना मिल रहा है और चाय मिल रही है ना, वो भी बंद। अब जाइए मुझे डिवोर्स देके दिखाइए। ठीक है कर दो, सारी मसालेदार चीज दूर कर दो, लेकिन एक मसालेदार चीज तुम मुझसे दूर नहीं कर सकती। कौन? मैं? जी नहीं, आप मसालेदार नहीं, आप तो डायट हैं, एकदम ब्लेंड। एक मसालेदार चीज दूर नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी मसालेदार चीजें आपकी जिंदगी में जो मैं दूर नहीं कर सकती? सोडा, मसालेदार सोडा। हाय तारक, मैंने भी आपको छोड़ा। मेहता साहब। हाँ जी। लाओ जड़े भाई। हाँ दे रहा हूँ। अरे भाई अभी सोडे की तो सख्त जरूरत है, 2 दिन जो हाल हुआ है हमारा पूछो मत। हाँ 2 दिन से कोई सोडा पीना आया ही नहीं। हमारी हालत तो बिना गैस के सोडे जैसे हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सोडी, अच्छा हुआ कि दुख के बादल झड़ गए। झड़ गए? सॉरी मतलब हट गए। पिड़ोगे ना? उसके झड़ गए ना तो मुंह से भी वही निकल रहा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद गोकुलधाम में कभी किसी की भी शादी टूटने की नौबत ना आए, बस मेरी शादी होने की शुभ घड़ी आ जाए। अरे पुपटलाल तुम्हारी भी शादी होगी भाई, जल्दी ही होगी। हाँ इस सदी में तो हो ही जाएगी। वैसे अपनी फिल्म के हीरो कहाँ है? ओ, फिल्म के हीरो
डिवोर्स, एक गलत फहमी, हीरो अय्यर भाई। सही बात है ना? सही बात है। अरे भाई, हीरो की तो हीरोइन जी खबर ले रहे होंगे। किता भाई, कैसी खबर? अरे भाई, बेचारे बबीता जी परेशान जो हुए अय्यर भाई की वजह से, तो अभी खबर ही ले रहे होंगे ना। सॉरी जेडर, बबीता बहुत स्वीट वाइफ है, खुद को गुस्सा करना नहीं आता है, तो वो मेरा खबर क्या लेगा? अरे मजाक कर रहा था, बैठे बैठे बैठे। हाँ नहीं, मैं वो पापड़लाल के पास बैठता हूँ, वो अकेला बैठा है ना। इसे विंगवाद बोलते हैं, सेम विंग वाले एक जगह बैठ गए। सीविंग सीविंग बिल्कुल बिल्कुल सीविंग है। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। गलत फहमी में ही सही, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ देकर बहुत अच्छा दोस्ती निभाया। अय्यर, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। अरे हम सब ने अपना फर्ज निभाया भाई। अरे नहीं जोड़ी मैं अब बबीता को 1% भी दुख देना नहीं चाहता। चलो दोस्तों, आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं चलता हूँ। क्यों क्यों भाई, आज इतने जल्दी क्यों? अरे भाई, वो नई फिल्म आ रही है ना अजहर, कल उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी तैयारी करनी है। कल अजहरुद्दीन जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। अच्छा, अरे भाई पोपटलाल, वो अजहर फिल्म वो अपने क्रिकेटर अजहरुद्दीन जी के जीवन पे बनी है ना? नहीं आदि भाई, तेंदुलकर पे बनी। तेंदुलकर के? फिर फिल्म का नाम अजहर क्यों रखा है? बोला। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। अजहर जी की कप्तानी में बहुत सारे मैच खेले हैं तेंदुलकर ने, क्या मान रखा है भाई, क्या बात। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? फिल्म का नाम है अजहर, तो अजहरुद्दीन पे ही बनेगी ना। मैंने तेंदुलकर इसलिए बोला कि व्यंग कर रहा था मैं, व्यंग। मेहता साहब, मैंने कई बार पहले भी बोला है, मुझे सिर्फ व्यंजन समझ में आते हैं, व्यंग नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि अजहर फिल्म जो है वो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद भाई अजहरुद्दीन जी के जीवन पर ही आधारित है। थैंक यू भाई। और हाँ आदि भाई, इस फिल्म में अजहरुद्दीन जी का जो किरदार है वो हमारे एक्टर है ना इमरान हाशमी, उन्होंने निभाया। कल तो अजहर भाई को मिलेगा ना, तो हम सबकी तरफ से उनको बधाइयां पे बधाइयां दे देना। हाँ नहीं, अरे भाई कल क्यों, अगर उनसे बात करनी है तो अभी आप बधाई दे दो। मेरे पास उनका मोबाइल नंबर है, मैं फोन करता हूँ, अगर बिजी नहीं होंगे और फोन उठा लिया तो बात कर लेंगे। मोहम्मद भाई अजहरुद्दीन का फोन नंबर है? हाँ बिल्कुल, तुम उनको फोन लगा रहे हो, मिस कॉल मत देना उनको। पोपट भाई, स्पीकर पे। हाँ पता तो चला किससे बात कर रहे हैं भाई। क्रिकेट, अरे गोकुलधाम की गलतफहमी के पिच पे अभी एक क्रिकेट मैच समाप्त हुआ, ऐसा नेल बाइटिंग मैच जिसमें बाउंसर भी, गुगली भी, रन आउट भी, हिट विकेट भी, न जाने क्या क्या। मैच खत्म हो गया यहाँ, लेकिन फिर से क्रिकेट। हम फिर से क्रिकेट नहीं खेलने वाले, लेकिन क्रिकेट के स्टाइलिश बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेटर, भूतपूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन से बातें करने वाले। जी हाँ, अजहरुद्दीन से बातें होंगी, और अब देखना यह है कि अजहरुद्दीन हमारे सवालों के बाउंसर किस तरह से झेलते हैं और कैसे जवाब देते हैं। और अजहरुद्दीन जी के जीवन पे बने फिल्म अजहर पे बात करना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा। हम अजहरुद्दीन जी से तो बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त स्वच्छता अभियान के पिच पे आज के विनर की घोषणा करनी है हमें। आप जानते हैं हम लोग स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, और इस बार हमारे स्वच्छता अभियान के विनर हैं अहमदाबाद के स्वामी नारायण गुरुकुल विश्व विद्या प्रतिष्ठान, यानी कि SGVP। बहुत बहुत बधाई उन्हें। प्यारे मित्रों, एक केवल व्यक्ति जो सुधरेगी, व्यक्ति जो विचारेगी, तो समाज सुधरेगा। इस देश में अनेक समस्याओं है, ये समस्याओं में पर्यावरण के लिए स्वच्छता की बहुत जरूरियात है, तो हमारे ये देश में ये अभियान को आगे बढ़ाए। हमारा देश स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए, हमारा भारत स्वच्छ भारत। और यहाँ कल के एपिसोड में होंगी अजहरुद्दीन साहब से ढेर सारी बातें, दया और जेठा की चुलबुली, नोक झोंक, और मॉडल बनी बबीता जी के सामने, फोटोग्राफर बने जेठालाल की मस्ती। अब ये सब जानने के लिए और देखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ सोचिए कैसी होंगी अजहर साहब से बातें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.